to you all at my YouTube channel Study Time with SK. Hello, this is सोनाली कुमारी और आज हम LSC 1 के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में बात करने वाले हैं. तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो. अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अपने YouTube पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ हिट करें बेल का आइकन ताकि आपको मेरे चैनल के रिगार्डिंग सारे नोटिफिकेशंस मिलते रहें. तो स्टार्ट करते हैं आज का कॉन्सेप्ट. आज के वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 1 है, एक्सप्लेन द रोल ऑफ साइक्लिक AMP एज अ सेकेंडरी मैसेंजर. सेकेंडरी मैसेंजर के तौर पे साइक्लिक AMP का क्या रोल होता है आपको एक्सप्लेन करना है. क्वेश्चन नंबर 2 है, यूज ऑफ रेडियो ट्रेसर इन बायोलॉजी. बायोलॉजी में रेडियो ट्रेसर्स का क्या यूज़ है आपको यहाँ पर ब्रीफली बताना है. क्वेश्चन नंबर 3 है, हाउ आर न्यूरॉन्स क्लासिफाइड फंक्शनली. फंक्शनली हम न्यूरॉन्स को किस तरीके से क्लासीफाई करते हैं आपको इस चीज़ का पूरा प्रोसीजर बताना होगा. क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें तो डिस्क्राइब ब्रीफली द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का आप स्ट्रक्चर बताइए, फंक्शन बताइए. साथ ही साथ इसके साथ दो और क्वेश्चन आते हैं, एक आता है गोल्गी अपार्टस का, दूसरा आता है क्लोरोप्लास्ट का. आपको इन तीनों में से कोई भी क्वेश्चन अपने क्वेश्चन पेपर में देखने को मिल जाएगा. क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें तो यहाँ पर है, एक्सप्लेन सेमी कंजर्वेटिव मॉडल ऑफ फॉर DNA रेप्लिकेशन. DNA रेप्लिकेशन के लिए सेमी कंजर्वेटिव मॉडल क्या था, किस तरीके से उसके अंदर अप्लायंसेस काम करते थे, कौन कौन से मैकेनिज्म थे, आपको वो सारी चीज़ें यहाँ पर बतानी है. अप्लायंसेस का मेरा मतलब मैकेनिज्म से है. क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं, डिफाइन एंजाइम. एंजाइम क्या होते हैं आपको डिफाइन करना है. एक्सप्लेन द मैकेनिज्म फॉर एंजाइम एक्शन. एंजाइम एक्शन के लिए कौन कौन से मैकेनिज्म होते हैं आपको बताना है. वन मोर थिंग कि अगर आप LSE 1 के एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो उससे एक दिन पहले आप एंजाइम के सारे फैक्टर्स, सारे जो उसके अंदर कॉन्सिक्वेंसेस हैं, उन सभी चीज़ों को अच्छे से पढ़ के जाएंगे. एंजाइम क्या होता है, कोएंजाइम क्या होता है, आइसो एंजाइम और कॉम्पिटेटिव और नॉन कॉम्पिटेटिव एंजाइम्स क्या होते हैं, इनबिटर्स क्या होते हैं, साथ ही साथ एंजाइम को अफेक्ट करने वाले कौन कौन से फैक्टर होते हैं जैसे कि pH होता है, टेम्परेचर होता है, तो ये सारी चीज़ें आप पढ़ के जाएंगे. क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें तो डिफ्रेंशिएट फ्री डिफ्यूज़न, फैसिलिटेटेड डिफ्यूज़न एंड एक्टिव ट्रांसपोर्ट, ये तीन अलग अलग बातें हैं. फ्री डिफ्यूज़न क्या होता है, फैसिलिटेट डिफ्यूज़न क्या होता है और एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है, आपको यहाँ पर डिफ्रेंशिएट करना है. वन मोर थिंग कि फ्री डिफ्यूज़न में एक वहाँ पर फ्लक्स से रिलेटेड है ये चीज़ें, तो इसमें आपको एक न्यूमेरिकल स्टेटमेंट भी है तो आप उस चीज़ को भी यहाँ पर डालेंगे. क्वेश्चन नंबर 8 की बात कर लें तो डिस्क्राइब द डिफरेंट टाइप्स ऑफ RNA एंड देयर फंक्शन. डिफरेंट टाइप के RNAs, फिर आपको उनके फंक्शंस बताने हैं. और ये चीज़ आप थोड़े सिस्टमेटिक तरीके से करेंगे क्योंकि बच्चे फिर क्या होता है कि कई बार RNA के टाइप्स तो बता देते हैं लेकिन फंक्शन बताने में फिर वो सोचते हैं कि इनका फंक्शन कहाँ बताया जाए, नीचे बताते हैं और मार्क्स कई बार कटने के चांसेस होते हैं. कई क्या होता है कि अगर हम आंसर को सिस्टमेटिक तरीके से दें तो जो हमारे कॉपी चेक कर रहे हैं उनके पास भी एक सीरीज चलती है कि इस तरीके से आपने आंसर दिया और इस तरीके से आपके मार्क्स मिलते हैं. लेकिन अगर आप कुछ चीज़ों को आगे लिख रहे हैं, कुछ चीज़ों को पीछे लिख रहे हैं और एज अ स्टूडेंट हम कुछ चीज़ें भूल भी जाते हैं क्योंकि हमें ये जल्दी होती है कि हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर पहुँच जाएँ, तो आप इन चीज़ों को अपने माइंड में रखेंगे. क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं तो डिफरेंस करना है आपको, थोड़ा सा डिफरेंस बताना है SEM एंड TEM में, यानी कि स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप एंड ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में क्या डिफरेंस है, आप वो चीज़ बताएंगे. मैं आपको एक डिफरेंस बता देती हूँ कि SEM जो है वो ज़्यादा यूजफुल है, ज़्यादा यूज़ में लिया जाता है. TEM उसके कंपेरिजन में थोड़ा कम यूज़ में लिया जाता है. TEM में जो पिक्चर है वो डिजिटली होती है, किसी स्क्रीन पर आती है, लेकिन SEM में पिक्चर जो होती है वो स्क्रीन पर नहीं आती है. एंडोसाइटोसिस क्या होते हैं और एक्सोसाइटोसिस क्या होते हैं. DNA एंड RNA है आपका थर्ड नंबर. C जो है, D है प्लांट सेल एंड एनिमल सेल में आपको डिफरेंस बताना है. और ये जो प्लांट सेल और एनिमल सेल का डिफरेंस है ना, ये 10 मार्क्स में भी आते हैं, कई बार 10 मार्क्स में पूछा जाएगा तो आपको वहाँ पर 10 डिफरेंस देने होंगे. 1 डिफरेंस इज विल गेट यू 1 मार्क्स. स्केल्टल और कार्डिक मसल क्या होते हैं. स्केल्टल मसल और कार्डिक मसल का एक जो डिफरेंस ही होता है वॉलेंटरी का, एक जो है वो वॉलेंटियर है, एक दूसरा नॉन वॉलेंटियर है. एक पे हम कंट्रोल कर सकते हैं, दूसरे को हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं. क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं तो मियोसिस एंड माइटोसिस क्या होता है आपको यहाँ पर बताना है, ठीक है. क्वेश्चन नंबर G पे आते हैं तो कोएंजाइम एंड
प्रोथेटिक ग्रुप क्या होती हैं आपको ये बताना है. एच पे आए तो कॉम्पिटिटिव एंड नॉन कॉम्पिटिटिव एंजाइम इनहिबिटर्स क्या होते हैं आपको ये भी बताना है. यानी कि आप CHE अगर LSE 1 का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो आपको कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए. वो चीज़ें हैं कि सबसे पहले आप एंजाइम्स के बारे में पता करके रखें कि एंजाइम्स क्या होते हैं, DNA क्या होता है, फिर डिफरेंट टाइप्स के मसल्स हैं तो आप उन मसल्स को भी पढ़ के रखेंगे, और कनेक्टिव टिश्यूज के बारे में आपको पता होना चाहिए. मॉलिक्यूलर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन है तो उसमें किस तरीके से फंक्शंस होते हैं आपको वो बताना है. CAMP आपने देखा अभी कि AMP साइक्लिक स्ट्रक्चर सेकेंडरी मैसेंजर की किस तरीके से वर्क करता है. अच्छा, सिग्नल हाइपोथेसिस जो है इस पर भी कमेंट करने को आते, तो आप इस चीज़ को भी अपने माइंड में रखेंगे, इसको भी पढ़ के जाएंगे. एंड वन मोर थिंग, आपने अपना असाइनमेंट रेडी किया होगा अभी 2-3 महीने पहले, तो आपके पास कुछ असाइनमेंट का जो मटेरियल होगा वो होगा, तो आप एक बार उस मटेरियल को भी पढ़ के जाएंगे. क्योंकि अगर आपने इस चीज़ को एक्सपीरियंस नहीं किया है अभी तक, इस चीज़ को ऑब्जर्वेशन में नहीं लेकर के आए हैं कि जो 2-3 क्वेश्चन हैं और जो 2-3 मार्क्स के क्वेश्चन है ना, वो आपके असाइनमेंट से ही पूछे जा रहे हैं, तो आप असाइनमेंट का कोई ना कोई क्वेश्चन ज़रूर होता है, तो आप इस चीज़ को अपने माइंड में रखेंगे. जैसे कि की स्पीसीज़ का जो LSE 7 में है, की स्पीसीज़ जो है वो आपके असाइनमेंट में भी था इस बार और आपके एग्ज़ाम में भी आया था, तो आप इस चीज़ को अपने माइंड में रखिएगा कि जो भी आपके असाइनमेंट में था वो आपके एग्ज़ाम में उसमें से एक क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाएगा. मायोसिस और माइटोसिस को आप अच्छे से पढ़ करके जाइएगा. रेट ऑफ एंजाइम किस तरीके से अफेक्ट होता है आपको ये भी बताना है. अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ सेंट्रियोल भी आपको बताना होगा वहाँ पर, और ग्लाइकोलाइसिस क्या होता है, स्यूडोपोडिया क्या होता है, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड की साइकिल क्या होती है, TCA की साइकिल भी आपको वहाँ पर थोड़ा सा अपने माइंड में रखना है, सेल साइकिल, रेप्लिकेशन फ्रॉक, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, साइटोस्केलेटन जो है वो 2 टाइम्स आपके एग्जाम में पूछा गया है, कोफैक्टर क्या होते हैं. ये जो मैं अभी बता रही हूँ आपको 1-1 वर्ड्स में, ये डिफाइन करने के लिए आता है या तो शॉर्ट नोट लिखने के लिए आता है. न्यूरोट्रांसमीटर्स क्या होते हैं आपको यहाँ पर ये भी बताना है. साइक्लिक स्ट्रक्चर, जैसे कि ये वाला क्वेश्चन था, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ को आप पढ़ के ज़रूर जाइएगा. तो ये तो था हमारा आज का वीडियो जहाँ पर हमने देखे LSE 1 के रिगार्डिंग कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. तब तक के लिए स्टे ट्यून. जय हिंद, जय भारत.